सो गाइज, अगर आपने भी मैकाना रिसेंटली डाउनलोड किया है एंड अभी आप एक नए प्लेयर हो इस गेम के एंड आपको इसके बेसिक्स के बारे में इतना नहीं मालूम, सो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मैकाना से रिलेटेड सारे मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसको खेलने के लिए वो सब बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि इस गेम में क्या क्या होता है, इसको कैसे खेला जाता है एंड इसमें सारी चीज़ें कैसे चलती है, ठीक है। सो ये वीडियो भाई मैं स्पेशली बना रहा हूँ मैकाना के न्यू प्लेयर्स के लिए, इसलिए यार इस वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखते रहना। एंड अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो आप भाई आराम से समझ जाओगे कि इस गेम को आपको कैसे खेलना है, इसमें सब कैसे होता है एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम में कैसे खेल सकते हो। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगर आप इसको एंड तक देख लेते हो तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ओके, सो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले इस गेम के करेंसी के बारे में। सो देखो यार, ये इस गेम की बेसिक सी चीज़ है। देखो जैसे हर गेम में गाइस करेंसी होती है कोई ना, जैसे डायमंड्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, वैसे ही हमारे इस गेम में होते क्रेडिट्स एंड ए कॉइन्स, ठीक है गाइस। आप जो ये ब्लू कलर का कॉइन्स देख रहे हो ना, जो मेरे पास 2 लाख प्लस है, इन्हें हम कहते हैं क्रेडिट्स, ओके। एंड इनको कलेक्ट करना उतना कुछ मुश्किल नहीं रहता है। एंड जो आप पिंक कलर का ये देख रहे हो ना गाइस, उसके साइड में, इसको हम लोग कहते हैं ए कॉइन्स, या फिर आप इनको पिंक कॉइन्स भी कह सकते हो, बट इसका नाम ए कॉइन ही है, ओके। बट गाइज, इस गेम में मज़े की बात यह है कि आपको इसमें एक भी रुपया अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई भी इन गेम परचेस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना गाइज, ए कॉइन्स और क्रेडिट्स, ये क्रेडिट्स तो आपको आराम से भाई मिल जाएगी आप जैसे जैसे गेम बैटल करोगे, एंड आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ बैटल कैसे करना है आपको। एंड ये जो ए कॉइन्स है ना गाइज, ये ए कॉइन्स भाई थोड़े टास्क करने पड़ते हैं, बट ये भी आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्रिएट्स है, यहाँ पे देखो ये बैटल खेलोगे तो आपको क्रिएट्स मिल जाएंगे। इन क्रिएट्स को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इधर हो गाइस, मैंने इसको ओपन किया एंड मेरे को 1000 क्रेडिट मिल गया एंड कुछ ए कॉइंस मिल गए, बट आपको ए कॉइंस थोड़े कम मिलेंगे एज कंपेयर टू क्रेडिट्स के, क्योंकि वो रेयर करेंसी है भाई इस गेम की, ओके। इधर हो, आप टास्क कंप्लीट करके आराम से ए कॉइंस कलेक्ट कर सकते हो। एंड आगे मैं ये भी बताऊंगा गाइस कि आपको ए कॉइंस और क्रेडिट्स को कहां यूज करना है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे बेसिक टिप नंबर 2 के तरफ। गाइस, हमारा दूसरा बेसिक टिप आता है मैक्स, ठीक है। जैसे गाइस बाकी गेम्स में आपने देखे होंगे कैरेक्टर्स होते हैं, आपके प्लेयर्स होते हैं जिनसे आप मैचेस खेलते हो, लड़ते हो, वैसे ही हमारे इस मैक अरीना में होते हैं मैक्स, ठीक है गाइस। एंड जैसे ही आप गेम स्टार्ट करोगे, मतलब पहले अपनी आईडी बनाओगे, तो आपको एक पैरागॉन दिया जाएगा, फ्री मैक होगा ये आपका, एंड देन आपको भाई धीरे धीरे करके और मैक्स अनलॉक करने पड़ेंगे। एंड कॉन्सेप्ट समझ लो गाइज, इस गेम में आप मैक्सिमम 5 मैक्स एक्यूब कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब आप बैटल में अपने मैक्स को उतारोगे ना, तो एक मैक मारा जाता है तो आप दूसरा मैक इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कर करके आप अपने पूरी टीम से फाइट ले सकते हो एंड आपको अपने मैक की पूरी टीम बनानी पड़ेगी। बट गाइस, शुरुआत में आपको मैक्स स्लॉट्स भी अनलॉक करने पड़ेंगे ताकि आप ज़्यादा मैक्स एक्यूब कर सको। एंड यार, इस गेम में आपको तरह तरह के मैक्स देखने को मिल जाएंगे एंड इन सभी की एबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। हर किसी में अलग अलग खासियत होती है एंड इन सबको आपको कैसे अनलॉक करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए यार वीडियो में बने रहो। एंड यार, सिर्फ मैक एक्यूब कर लेना काफ़ी नहीं है, इसमें आपको वेपन भी एक्यूब करना पड़ेगा एंड वेपन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एंड हमारा वही है थर्ड टिप कि इस गेम के वेपन्स। सो गाइस, वेपन्स भी इस गेम में तरह तरह के हैं। यहाँ देखो गाइस, मैं वेपन्स पे जाता हूँ तो ये देखो असॉल्ट वेपन्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत सारे असॉल्ट वेपन है, मिसाइल टाइप के वेपन्स भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे बीम टाइप वेपन्स, जिसे आप आसान शब्दों में लेज़र टाइप भी कह सकते हो, शॉर्ट रेंज वेपन्स मिल जाएंगे एंड स्नाइपर्स, और ये साथ ही साथ आपको भाई जो हवाई फायर करने के लिए वेपन्स होते हैं ना वो भी मिल जाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट समझ लो गाइज, आपको वेपन्स को पहले ही मैक के ऊपर एक्यूब करना पड़ेगा जो आप चाहो, ठीक है। जैसा आप कॉम्बो बनाना चाहो, ये आप कॉम्बिनेशन बनाना भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा। तो देखो यहाँ पे आपको बैटल में जाने से पहले अपने मैक के ऊपर वेपन एक्यूब करना पड़ेगा एंड उसी वेपन से आप फाइट लोगे। हर वेपन को चलाने का अलग अलग तरीका होता है एंड ये सब आप भाई इतना डीप मत जाओ, जैसे जैसे आप खेलोगे ना ये सब आपको पता चलते जाएगा। एंड अब भाई हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं कि भाई एनर्जी लिमिट क्या होता है इस गेम में, ओके गाइज। सो गाइज, अब हम बात करते हैं एनर्जी लिमिट के बारे में। सो देखो, एनर्जी लिमिट मतलब इसको हम कह सकते हैं पावर, ठीक है। मतलब आपका मैक जो है वो कितने की पावर उठाने के कैपेबल है और आपका जो वेपन है वो कितना पावर चार्ज कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये वेपन है ऑटो कैनन 4, इसका एनर्जी कॉस्ट है 4, मतलब ये एक ऑटो कैनन एक्यूब करने के लिए एक मैक के ऊपर 4 का एनर्जी लिमिट ये चार्ज करेगा। एंड आपका मैक देखो गाइस, ये पैरागॉन है एंड इसकी एनर्जी कैपेसिटी है 12, मतलब ये 12 एनर्जी कैपेसिटी तक वेपन उठा सकता है।
ठीक है। लाइक यहाँ देखो गाइस, साइड में लिखा है ना सब में 4 एनर्जी लिमिट, ये सब इसके एनर्जी लिमिट्स है गाइस। एंड थोड़ा नीचे जाऊँ ना तो ये देखो अब आ गए 6 वाले, ये सारे 6 एनर्जी लिमिट वाले, एंड मैं इसमें 6 एनर्जी लिमिट वाले भी इक्विप कर सकता हूँ। अभी देखो गाइस, ये मैंने दो दो यहाँ पे 6 एनर्जी लिमिट वाले इक्विप कर लिए है, जिसका मतलब ये है कि अब ये भाई 12 पूरा उठा चुका है, एक साइड 6 एनर्जी लिमिट एंड दूसरे साइड भी 6। लेकिन गाइस हमारा मैक जो है ना अभी 12 कैपेसिटी ही रखता है, उससे ज़्यादा आप इसके ऊपर इक्विप नहीं कर सकते। लाइक मैं अभी थोड़ा नीचे गया एंड ये देखो ये वेपन है 8 एनर्जी लिमिट का, ठीक है। एंड मैंने सेकेंड साइड ऑलरेडी 6 का इक्विप कर रखा है, इसीलिए मैं 8 एनर्जी लिमिट का इक्विप नहीं कर सकता। ओके गाइस, मतलब आपका वेपन जितना चार्ज करता है कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, और आपका मैक जितना कैपेबल है आप उतना ही उसके ऊपर इक्विप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये सारे वेपन्स इसके ऊपर इक्विप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका एक साइड रिमूव कर दूँ तो अब ये 12 वाले तक उठा सकता है। लाइक देखो ये वेपन है गाइस, ये वाला रॉकेट मोटर नाम है इसका, ये भाई 12 एनर्जी लिमिट का है, एंड ये अपना पैरागॉन उठा पाएगा क्योंकि ये भी एनर्जी कॉस्ट 12 चार्ज कर रहा है एंड अपना मैक भी 12 की कैपेसिटी रखता है। बट जैसे ही गाइस मैं कोई इससे भी ज़्यादा एनर्जी लिमिट लाइक 16 एनर्जी लिमिट का इसके ऊपर रख दूँ तो ये ओवरलोड बता रहा है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके मैक का एनर्जी कैपेसिटी जितना होगा ना वो उतने ही वेपन्स उठा पाएगा अपने दोनों साइड। एंड नेक्स्ट टिप पे हम बात करने वाले हैं कि आप भाई अपने मैक के एनर्जी लिमिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो उसी पे हमारा टिप नंबर 5 है जो कि है अपग्रेड्स। अब गाइस ध्यान से यहाँ पे समझना, मैक अरेना में चाहे वो मैक्स हो, वेपन्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पे दो टाइप्स के अपग्रेड होते हैं, ठीक है। एक होता है रैंक अपग्रेड, एक होता है लेवल अपग्रेड। हर रैंक के अंदर 7 लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नया रैंक स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पैरागॉन का लेवल है 5, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स चार्ज कर रहा है इसका लेवल अपग्रेड करने के लिए। एंड एनर्जी लिमिट अभी देख सकते हो गाइस 12 एनर्जी लिमिट है। तो मैं जैसे ही इसके लेवल अपग्रेड्स करूँगा ना तो इसका अभी तो लेवल अप होगा। अभी देख रहे हो ये रैंक 2 का है गाइस, इसलिए 2 स्टार दिखा रहा है ऊपर। अभी देखो गाइस मैंने लेवल 6 का कर दिया इसको, एंड फिर से 20,000 चार्ज कर रहा है, मैं एक और लेवल अप करूँगा। एंड ये देखो ये लेवल 7 का हो चुका है, मतलब अब ये 7 लेवल का है। एंड अब ये रैंक अपग्रेड मांग रहा है। एंड जैसे ही गाइस मैं इसको 375 ए कॉइंस का रैंक अपग्रेड दूंगा ना, तब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी लिमिट 12 से 16 हो रही है। तो इस तरह से आप अपने मैक्स को या फिर वेपन्स को पावरफुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैक्स का एनर्जी लिमिट इंक्रीज होता है, वेपन का कोई भी एनर्जी लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, वो वैसे ही रहते हैं। बट हाँ, पावर ज़रूर बढ़ती है उनकी, ठीक है गाइज। एंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको नॉर्मल क्रेडिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड जो होते हैं ना अपने रैंक अपग्रेड, वो भाई ए कॉइंस चार्ज करते हैं, ठीक है गाइज। एंड जैसे जैसे आप इनका रैंक अपग्रेड करोगे ना, वैसे वैसे ये बहुत पावरफुल होते जाएंगे कोई भी मैक हो। यहाँ पे देखो गाइस अभी 12 एनर्जी लिमिट है एंड HP है 15,000, बट ये थर्ड रैंक पे 16, फिर 20, फिर 24, 28, एंड इस तरह से मैक्स जब करोगे ना तो 32 एनर्जी लिमिट इसकी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ HP पावर सब बढ़ेगा, ठीक है। तो मेन अपना ये है कि अपग्रेड्स ज़रूरी होते हैं अपने मैक को पावरफुल बनाने के लिए। एंड लेवल अपग्रेड में आपके क्रेडिट्स यूज़ हो गए और रैंक अपग्रेड में आपके ए कॉइंस, ठीक है गाइस। एंड हर 7 लेवल के बाद एक रैंक अपग्रेड आता है। सो गाइज अभी मैंने आपको बता दिया कि लेवल अपग्रेड्स कैसे होते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है XP पाथ, जिसे आप प्रोग्रेस पाथ भी कह सकते हो। सो गाइज देखो, मैंने अभी आपको बता दिया कि आप कैसे मैक्स को यूज़ कर सकते हो, कैसे उनमें वेपन्स इक्विप करना है, एंड अपग्रेड्स के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया है। बट गाइज अब बात आती है कि आप मैक्स और वेपन्स को कैसे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए गाइज आपको आपके XP पाथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे है। सिंपल सा आपको बस अपने अवतार के बगल में आपका नाम आ रहा होगा, वहाँ पे टाइप करना है, तब आप XP पाथ में आ जाओगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, मैंने इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है अपने पूरे XP पाथ को। तो पहले मुझे थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, फिर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ओके सो गाइज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। सो देखो, सबसे पहले आपको लैंसर मैक मिलेगा, जो कि ये रहा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मैक होगा जो आपको XP पाथ में अनलॉक होगा। फिर आपको वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, एंड फिर आपको पायलट्स भी यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। पायलट्स क्या होते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, वीडियो पे बने रहो। फिर गाइस आपको पैंथर मैक देखने को मिलेगा। सो स्टार्टिंग में आपका पैंथर बहुत काम आएगा, इसलिए मैं जितने भी नए बंदे हैं उन सबको कहूँगा भाई पैंथर यूज़ करो, पावरफुल मैक है, ठीक है। एंड धीरे धीरे गाइस यहाँ से आपको सारे वेपन्स और मैक्स जो है XP पाथ में ही देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे मैक्स जो है इवेंट्स में भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ यहीं पर होते हैं गाइस, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखो सारे वेपन्स आप देख ही सकते हो एंड आपको कुछ क्रेडिट्स और ए कॉइन्स भी इधर देखने को मिल जाएंगे। एंड ऐसे कर करके आपको ना पहले इन सबको एक्सपी पाथ से अनलॉक करना पड़ेगा एंड अनलॉक करने के बाद गाइस फिर परचेज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिस्क लॉन्चर 12 है, ये मैंने ऑलरेडी अनलॉक तो हो गया है मेरा एक्सपी पाथ से बट मैं इसे परचेस नहीं किया अब तक। एंड परचेस करने के लिए 7000 ए कॉइन्स चार्ज कर रहा है जो मेरे पास नहीं है। एंड यही है सिस्टम गाइस, पहले आपको एक्सपी पाथ से इनको अनलॉक करना पड़ेगा देन आपको क्रेडिट या फिर ए कॉइन से इनको परचेस करना पड़ेगा। एंड एक्सपी आपको कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल बैटल खेलो मिल जाएगा। साथ ही साथ यह डेली टास्क होते हैं ना, यहाँ पे देखो एक्सपी दिख रहा है गाइस, 50 एक्सपी है, 75 एक्सपी है, यहाँ से भी आपको एक्सपी मिल जाएगी। ओके, इनको क्लेम करोगे तो आपका एक्सपी पाथ जो है ऐसे भरते जाएगा धीरे धीरे। ओके गाइस, तो एक्सपी में बस इतना ही था, आप बस बैटल्स खेलो, एक्सपी कलेक्ट करो एंड देन यहाँ से आपके मैक्स और वेपन्स अनलॉक हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको उन्हें परचेस भी करना है। नेक्स्ट बेसिक टिप है हमारा गाइस, हाउ टू प्ले विथ फ्रेंड्स। सो गाइस, ये हमारा जो मैक अरीना गेम है ना, ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, मतलब आप इसमें अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको ना पहले यहाँ पे आपका अवतार दिख रहा होगा, ठीक है, वेट अ सेकेंड। यहाँ पे गाइस आपका जो अवतार है ना, यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपके नाम के नीचे एक आईडी आ रहा है, तो नॉर्मल सा आपको या अपनी आईडी अपने फ्रेंड को देनी है या फिर आपको अपने फ्रेंड से उसकी आईडी लेनी है। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड की आईडी ले रहा हूँ एंड मुझे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, तो पहले तो मैं ये आईडी कॉपी करूँगा, जो ये आप देख रहे हो ना 1341740 वाला, पहले हमको ये आईडी कॉपी करनी है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे गाइस फ्रेंड्स का एक ऑप्शन आता है, इधर आपको टैप कर देना है। फिर यहाँ पे सर्च बटन आता है गाइस, ऊपर के साइड एक सर्च बटन आता है, यहाँ पे आपको सर्च बटन में जाके उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है या फिर लिख देना है एंड फिर आपको सर्च पे टैप कर देना है। एंड यहाँ पे उस प्लेयर की, आपके फ्रेंड की आईडी आ जाएगी, फिर सेंड रिक्वेस्ट आपको भेज देना है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। एंड फिर आपको गाइज आपके फ्रेंड को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपके फ्रेंड को इन्विटेशंस में आपका रिक्वेस्ट आया होगा, जैसे यहाँ पे देखो इधर रिक्वेस्ट आए हैं, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड फिर वो आपके फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा एंड देन आराम से आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे बैटल के बगल में गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एंड इस पर आपको टैप कर देना है सिंपल सा। एंड जैसे आप इस पर टैप करोगे ना, एक नया सा इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा एंड फ्रेंड के साथ खेलने के लिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेंड आपका ऑनलाइन होना चाहिए एंड दूसरा वो भाई लॉबी में होना चाहिए, मतलब वो कोई भी बैटल ना खेल रहा हो, लॉबी में होना चाहिए तभी आप उसे बुला पाओगे, ठीक है। तो हैंगर में होगा तभी आप उसे बुला पाओगे एंड यहाँ पे देखो प्लस आइकन पे टैप करोगे ना तो आप उसे बुला पाओगे एंड साथ ही साथ आप बैटल का मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड बैटल मोड के बारे में भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो पे बने रहो, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट एक बार देख लोगे तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। एंड फिर जैसे आप अपने फ्रेंड को बुलाओगे यहाँ पे स्टार्ट मैच करके आप मैच लगा सकते हो एंड मैक्सिमम आप चार फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है गाइज। एंड मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बेसिक टिप के तरफ। सो गाइज नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ पायलट्स के बारे में, ठीक है, मैंने कहा था आपको पायलट्स के बारे में बताऊंगा, सो अब बता ही देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप इन्वेंटरी में जाओगे ना गाइज, वेट मैं यहाँ पे इन्वेंटरी में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा मैक्स, फिर वेपन्स एंड फिर पायलट्स, ठीक है। ये जो पायलट्स होते हैं ना गाइज, ये वेपन बेस्ड होते हैं, मतलब जैसे वेपन का टाइप होगा ना वैसे पायलट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो स्नाइपर टाइप है, असॉल्ट टाइप है, ठीक है, हर टाइप के वेपन के लिए अलग पायलट होता है। एंड यहाँ पे देखो गाइज पायलट भी आपको पहले एक्सपी पाथ से अनलॉक करना पड़ेगा देन आपको उसे परचेस करना पड़ेगा, या तो आप उसे क्रेडिट से परचेस करो या फिर कुछ पायलट्स ए कॉइन्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गाइज पायलट्स को आप कह सकते हो कि ये थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स दे देते हैं आपके मैक और वेपन को। एंड अगर आपको जानने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके वेपन के लिए कौन सा मैक सही है, सो पहले आपको क्या करना है, आपके वेपन पे जाना है, फिर उसके नाम के नीचे गाइज उसका टाइप लिखा होगा, यहाँ पे देखो असॉल्ट लिखा है, ये असॉल्ट टाइप वेपन है। तो आपको क्या करना है, फिर आराम से पायलट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे देखो इधर रेड करके एक पायलट है एंड ये असॉल्ट का डैमेज बढ़ाती है, असॉल्ट टाइप के वेपन्स का, ये देखो ये सब असॉल्ट टाइप वेपन्स है। एंड यहाँ पे ये भी आ गया, ये जो कार्बाइन है मेरा, तो यहाँ पे ये असॉल्ट टाइप के वेपन्स को इंक्रीज करती है। सो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपके मैक के लिए और वेपन के लिए कौन सा पायलट अच्छा है, ठीक है, एंड देन आप उसे आराम से परचेस कर सकते हो क्रेडिट या फिर ए कॉइन से। एंड गाइज अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे ये पायलट्स वर्क करते हैं। सो अभी ये फेक पायलट देख रहे हो गाइज, इसको लेते हैं एंड अभी पैरागॉन पे चलते हैं। देखो गाइज अभी पैरागॉन की एचपी है 18,000,
ठीक है। एंड इसके वेपन की डैमेज है 58,000, ध्यान से देखना गाइस। एंड अब मैं इस पर एक्यूब करूँगा पायलट, ठीक है। ये फेई नाम की एक पायलट है, इसको मैं जैसे ही एक्यूब करूँगा ना गाइज, अब देखो, अब मैं समरी में जाऊँगा तो यहाँ देखो गाइज, इसकी HP हो चुकी है 20,000 एंड इसके वेपन का डैमेज बढ़ चुका है 87,000 हो चुका है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा पावर्स देती है, आप पायलट जो है एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं आपके मैक को और वेपन को। एंड गाइज एक और चीज़ आती है पायलट्स में जो कि होते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है। वैसे आपको इतने डीप में जानने के लिए अभी ज़रूरी नहीं है, अगर आप नए प्लेयर हो इतना डीप में आपको जानना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इम्प्लांट्स आपको डेली यहाँ पे लॉगिन में मिल जाएंगे, शॉप में जाओगे ना तो डेली लॉगिन पे आपको एक क्रिएट मिलेगा, वहाँ पे आपको इम्प्लांट्स मिल जाएंगे। एंड इम्प्लांट्स को आप भाई हर वेपन का अलग इम्प्लांट होता है एंड वहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया जाता है कि कौन सा इम्प्लांट कैसे वर्क करता है और उसका काम क्या होता है। फिर आपको जस्ट नॉर्मली जाना है एंड पायलट्स पे एक्यूब कर देना है। मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा पायलट्स के बारे में, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देन आपको नॉर्मली यहाँ पे इम्प्लांट्स पे क्लिक करके एक्यूब कर देना है। हर एक इम्प्लांट अलग अलग काम करता है एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझा दिया रहता है कि ये इम्प्लांट क्या करेगा। फिर आप देन एक्यूब करके फिर पायलट्स को भी मैक के ऊपर पेयर करके आराम से खेल सकते हो। सो बस इतना ही था गाइस पायलट्स के बारे में, और भी है बट जैसे जैसे आप गेम खेलोगे ना आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा एंड आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे। सो गाइस अब मैं आपको बताने चाहूँगा बैटल के बारे में कि आप कैसे बैटल करो। देखो गाइस मैंने आपको मैक्स वेपन पायलट्स मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी है जो आपको ज़रूरी है नए प्लेयर के तौर पर जानने के लिए, बट अब हम बात करेंगे आपको बैटल कैसे खेलना है। सो यहाँ पे नॉर्मल सा बैटल बटन तो आपको दिख ही गया होगा। यहाँ पे देखो टूर्नामेंट के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, उसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अलावा मैं भाई नॉर्मल बैटल्स की बात कर लूँगा, ये नॉर्मल बैटल भी उतना ही ज़रूरी है जितना टूर्नामेंट। तो ये देखो गाइस यहाँ पे आपको तीन मोड्स देखने को मिल जाएंगे, कंट्रोल पॉइंट क्लैश, 5v5 एंड 2v2। तो गाइस देखो 5v5 एंड 2v2 खेलने के लिए आपको मिनिमम तीन मैक तो चाहिए ही चाहिए अपने टीम में, बट कंट्रोल पॉइंट क्लैश आप ऐसे ही खेल सकते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मतलब जब आप नए प्लेयर हो गए तो कंट्रोल पॉइंट क्लैश ही ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे ना, तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपको कंट्रोल पॉइंट क्लैश कैसे खेलना है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टिप आता है कंट्रोल पॉइंट क्लैश, ठीक है। तो एज अ न्यू प्लेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट क्लैश ही खेलोगे, आपको नॉर्मल सा यहाँ पे क्विक मैच में कंट्रोल पॉइंट क्लैश स्टार्ट कर देना है एंड 15 सेकंड्स में ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये मैच कैसे खेलना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसको ओके। सो चलो गाइस यहाँ पे हमारा बैटल लग चुका है एंड ये देखो कोई भी रैंडम मैप आ सकता है गाइस, 5-6 मैप है उसमें से कोई भी मैप आ सकता है। फिर आपको क्या करना है, अपने मैक को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस इसका नाम कंट्रोल पॉइंट क्लैश इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स को कैप्चर करना पड़ता है। ये जो गोला गोला देख रहे हो ना, ये भाई कंट्रोल पॉइंट है, इसको आपको कैप्चर करना है। अब देखो ये कंट्रोल पॉइंट ब्लू हो चुका है एंड ऐसे ही मैप में वहाँ पे साइड में देखोगे तो एनिमी टीम का जो कंट्रोल पॉइंट है वो रेड कलर का है एंड ऐसे तीन कंट्रोल पॉइंट है, कुछ कुछ मैप में 5 कंट्रोल पॉइंट रहते हैं। तो भाई जिसका ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट कैप्चर होगा ना उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करोगे ना उतना ही यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो गाइस, हमारा 4 है एंड एनिमी टीम का 3 हो गया है अब। तो इस तरह से जिसका पहले ये 100 टच करेगा ना वो जीत जाएगा एंड ये ज़्यादा स्पीड से तब बढ़ता है जब आपके कैप्चर पॉइंट्स ज़्यादा हो। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि अगर यहाँ पे देखो 3 कंट्रोल पॉइंट्स है तो आपको कोशिश करना है कि किसी तरह दो कंट्रोल पॉइंट्स आपके टीम के अंडर हो, तब आप आराम से मैच जीत पाओगे। एंड किसी किसी मैप में ना, ज़्यादातर मैप में 5 कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें आपको ट्राई करना है कि 3 कंट्रोल पॉइंट्स आपके टीम के अंडर में रहे, ठीक है। इस तब आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड साथ ही साथ आपको किल्स भी करते रहना है। एंड किल्स भी आपको कैसे करना है एंड उससे रिलेटेड भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मैंने बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट सेक्शन में। एंड अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कंट्रोल पॉइंट कैसे खेलना है। तो सारे टिप्स के बाद आप आराम से अपना बैटल इंजॉय करो एंड बस इतना ही था ये सब टिप्स, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टिप गाइज अभी भी बाकी है। सो गाइज लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है लॉगिन, ठीक है। गाइज मुझे एक बात बताओ, इतना सब करने के बाद, इतना ज़्यादा खेलने के बाद, क्या आप कभी चाहोगे कि आपकी आईडी डिलीट हो जाए? नहीं ना। सो भाई आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, मोस्ट ऑफ प्लेयर्स ये गलती कर देते हैं। सो गाइज अगर आप किसी भी वजह से आप मैकना को डिलीट करते हो या फिर आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है और आपने भाई लास्ट टाइम आईडी लॉगिन नहीं की थी, तो आप भाई इस बार अपना आईडी रिकवर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करना है।
ठीक है, आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है पहले ही। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अवतार पे जाना है, यहाँ पे कनेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उधर जाओ एंड आईडी लॉगिन कर लेना। यहाँ पे देखो तीन तरीके हैं लॉगिन करने के, पहला है प्लेरियम, दूसरा है फेसबुक एंड तीसरा है गूगल। तो इन तीनों में से किसी से भी अपना आईडी लॉगिन करो, बट करो यार, आईडी लॉगिन नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी आईडी रिकवर नहीं कर पाओगे। एंड मोस्ट ऑफ नए प्लेयर यही गलती कर देते कि वो लोग अपनी आईडी लॉगिन नहीं करते। एंड यहाँ पे देखो तीनों में से आप किसी में भी आईडी लॉगिन कर सकते हो। पहला भाई प्लेरियम का बता देता हूँ मैं, प्लेरियम में आप कोई भी ईमेल पासवर्ड सेट करो और आईडी लॉगिन कर लो, ठीक है, या फिर फेसबुक से करो या फिर गूगल से करो, बट आईडी लॉगिन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गाइज, जो भी आप आईडी लॉगिन करोगे ना, उसमें जो भी आपका ईमेल हो या फिर पासवर्ड हो, वो आपको किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं करना है, वरना वो आपके आईडी के साथ छेड़खानी कर सकता है। ये देखो प्लेरियम से अगर लॉगिन करोगे ना, आपको यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड मांगेगा, देन आपको नीचे रजिस्टर या लॉगिन किसी में भी टाइप कर दो, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगली बार जब भी आप मैं करना डिलीट करके डाउनलोड करोगे ना, तो आपको यही मांगेगा कि मतलब बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद आपको लॉगिन में आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो अब आईडी और पासवर्ड भाई अगर आपको याद नहीं रहता तो कहीं पे नोट कर लो, लेकिन लॉगिन करना ज़रूरी है और आईडी पासवर्ड कहीं पे नोट करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी अगर बाय चांस भी आपका मैं करना डिलीट होता है ना, तो आप अपनी आईडी और जितना भी आपने प्रोग्रेस किया था वो सब रिकवर कर सको। सो गाइज, यही था हमारा आज का वीडियो। एंड यार, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, मैं चाहता था कि जितने भी अपने मैं करना के नए प्लेयर्स हैं ना, उनको एक परफेक्ट गाइड वीडियो मिल सके, वो भी हिंदी में। सो मैंने इसको भाई बना दिया है एंड आई होप कि ये बहुत प्लेयर्स के काम आए। एंड इसको बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, सो वीडियो को भाई फटाफट से लाइक कर देना, कोई भी लाइक मैं नहीं रख रहा। एंड आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसने रिसेंटली मैं करना खेलना शुरू किया है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, ताकि उसको भी ये बेसिक टिप्स की वीडियो जो है काम आए। एंड साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोज देखने को मिलती रहेगी। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।